अभी के समय में फ्रेंच फ्राइज किसे पसंद नहीं। बच्चों से लेकर बड़े तक फ्रेंच फ्राइज बहुत ही चाव से खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की कहानी और फ्रेंच फ्राइज बनने तक का सफर? तो चलिए आज बात करते हैं मेहसाणा के हरीश करम चंदानी की, जिन्होंने फ्रेंच फ्राइज के सफर को चुना और मंजिल तय की। दरअसल हरीश करम चंदानी ने साल 2010 में एक सपना देखा था। यह सपना था आलू की प्रोसेसिंग कर वैल्यू एडेड आइटम्स बनाने का। आलू में वैल्यू एडिशन की चाह से इसी उद्योग में कदम रखे। उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया और महज 5 साल में उन्होंने फ्रेंच फ्राइज बनाने का अत्याधुनिक कारखाना अपने शहर से बाहर ही डाल दिया। फिर हुआ काम इसे बेचने का। आज की तारीख में उनकी कंपनी भारत में फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। उनके प्रोडक्ट्स का निर्यात दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों में होती है। आज हम आपको बता रहे हैं उनके सफलता की कहानी। हरीश करम चंदानी के दादा आसन दास करम चंदानी गुजरात के एक छोटे से शहर मेहसाणा में आलू और प्याज के आड़ती का काम किया करते थे। आजादी के बाद गुजरात तेजी से विकसित हुआ था और इसके साथ ही मेहसाणा की तकदीर भी बदल गई थी। लेकिन करम चंदानी परिवार आलू का ही काम करते रहे। इसी परिवार में जन्मे और पले बढ़े हरीश बचपन से ही आलू के कारोबार की बारीकी सीख रहे थे। हरीश करम चंदानी का जन्म एक छोटे से परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई खांटी अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। मेहसाणा में उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, इसलिए हरीश राजस्थान के हिल स्टेशन कहलन वाले माउंट आबू के फेमस सेंट मैरी स्कूल में पढ़ा करते थे। इस वजह से उन्हें 4 साल की उम्र में ही घर छोड़कर हॉस्टल में आना पड़ा। इस स्कूल में 10वीं करने के बाद उनका दाखिला अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स स्कूल में कराया गया। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के ही एचएल कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम में दाखिला लिया। वहीं से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हरीश ने 1999 में अपने पारिवारिक धंधे में जुड़ना सही समझा, मतलब आलू का काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने देखा कि भारत में आलू का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। आलू की नई नई किस्में खोजी जा रही हैं। उससे कुछ साल पहले ही केंद्र सरकार ने उदारीकरण का आगाज किया था। उसी समय आलू चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए भी विदेशी कंपनियां भारत आ रही थी। एक अमेरिकी कंपनी ने तो यहां आलू की चिप्स बनाने के लिए विदेशी वैरायटी भारत लाई और भारतीय किसानों से इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने लगी। इसी से हरीश को आलू के क्षेत्र में ही कुछ अनूठा करने की प्रेरणा मिली। धीरे धीरे हरीश को लगने लगा कि आलू की प्रोसेसिंग में कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने विदेशी बाजारों की स्टडी की, विदेशों को प्लांट और मशीनरी को देखा, उसे भारत लाने की विकल्प तलाशे। उसके बाद उन्होंने आलू की कुछ यूरोपीय किस्मों को छांटा, जिसका उपयोग फ्रेंच फ्राइज बनाने में होता है। आलू का बीज कहाँ बनाया जाएगा, उसकी खेती कहाँ होगी, इन बातों का भी अध्ययन किया और साल 2010 में औपचारिक रूप से हाई फन फूड्स की नींव पड़ गई। यूं तो फ्रेंच फ्राइज को लेकर लोग तुरंत खाकर पल भर में खत्म कर देते हैं, लेकिन इसे बनाने में पूरे 5 साल लग गए। हरीश बताते हैं कि पहले तो यूरोपीय वैरायटी के सीड्स को भारत लाकर उसे लैब में डेवलप किया गया, फिर उस सीड्स को पंजाब के खेतों में मल्टीप्लाई किया गया, फिर उन बीजों को खेती गुजरात के खेतों में की गई, उसके लिए किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई और साल 2015 आते आते उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया। जब उन्होंने फ्रेंच फ्राइज बनाने का काम शुरू किया तो उस समय भारत में कनाडा की एक कंपनी का इस सेक्टर में राज था। उस कंपनी का प्लांट भी गुजरात में ही है। हरीश ने साल 2015 में महज 50 करोड़ रुपए का माल बेचा, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने धंधे को फैलाया वह काबिले तारीफ थी। पिछले साल उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का सामान बेचा। इस समय वह देश में फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली और एक्सपोर्ट करने वाली हाई फन फूड सबसे बड़ी कंपनी है। आज की तारीख में वह कनाडाई कंपनी हाई फन से पीछे हो गई है। इस समय हाई फन फूड से प्रोडक्ट्स का निर्यात दुनिया के करीब 40 देशों में हो रहा है। इन देशों में भारत के आसपास के देश में तो शामिल है ही, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देश में भी शामिल है। अभी 4 महीने पहले ही कंपनी में अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट से एक्सपोर्ट का करार किया है। इसके साथ ही कंपनी की एंट्री अमेरिकी फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में भी की गई। अमेरिका और जापान के फूड मार्केट में एंट्री बेहद महत्व रखती है, क्योंकि वहां खाद्य पदार्थों के आयात की नियम शर्तें बेहद सख्त है। कंपनी की शुरुआत तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज बनाने से हुई थी, लेकिन आज कंपनी करीब 35 तरह के आलू और अन्य पदार्थों की फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। इसमें आलू टिक्की, हैश ब्राउन,
पोटेटो बॉल, फ्रोजन पिज्जा तक शामिल है। कंपनी 5 तरह से तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज बनाती है। हरेश का कहना है कि हर देश के लोगों का खान पान का व्यवहार और टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को ज्यादा करारा माल चाहिए तो किसी को कम भुना हुआ। उन सबके टेस्ट का ध्यान रखा जाता है।